नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सभी का स्वागत है। अगले एक घंटे आपको हम फैक्ट रिसर्च के साथ खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और खबरें विस्तार से भी होंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। रूस यूक्रेन बैटलफील्ड से आज का सबसे बड़ा अपडेट क्या है? रूस ने यूक्रेन के किन किन शहरों को टारगेट किया है, यूक्रेन ने किस अंदाज में पलटवार किया है, वो भी तमाम खबरें आपको दिखाएंगे अगले एक घंटे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। चिली में भयंकर पथराव और आगजनी आखिरकार क्यों हो रही है? नाइजीरिया में फ्लड से लोगों का जीवन नरक क्यों बन रहा है? वहीं वेनेजुएला में भी आसमान से इतनी आफत बरसी कि इलाके में सैलाब आ गया, पहाड़ियों से मलबा और कीचड़ तेजी से नीचे सरकने लगा है। आपको पूरी खबर डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बरखा शर्मा। दिल हर दिन कैसे लोगों को दगा दे रहा है, गाजियाबाद से आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। केसीआर का हिंदू विरोधी चेहरा कैसे सामने आ गया और बिहार में कश्मीर को एक देश कैसे बताया गया, पूरी खबर जो है वो वीडियो सबूतों के साथ आपको बताएंगे। लेकिन बात कर लेते हैं सबसे पहले रूस यूक्रेन के बीच जंग की, जो अब और भी ज्यादा विनाशक मोड पर आ चुकी है। रूस यूक्रेनी के जो ठिकाने हैं उनको खोज खोज कर खत्म कर रखी। जी हाँ, यूक्रेन से जंग का एक वीडियो भी सामने आया है और इसमें किस तरीके से रूस का सैनिक यूक्रेन के जो अड्डे हैं उनको बम से उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। जमीन पर रूस के सैनिक लड़ रहे हैं और यूक्रेन के सैनिक उन्हें टक्कर दे रहे हैं। सीधे जंग के मैदान से एक वीडियो आया है। इस वीडियो को रूस की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में रूस के नेशनल गार्ड का एक सैनिक जंगलों के बीच हाथों में डायनामाइट लिए हुए चल रहा है। कटीली झाड़ियों के बीच ये सैनिक आगे बढ़ता है तो इसे यूक्रेन का अड्डा दिखाई देता है, जहां यूक्रेन ने अपने हथियार छिपाए हुए थे। फिर क्या था, ये रूसी सैनिक डायनामाइट को एक्टिवेट कर देता है और तार और बैटरी की मदद से उसे यूक्रेन के अड्डे पर लगाकर चला जाता है। कुछ ही देर में ट्रिगर दबाता है और यूक्रेन का अड्डा एक धमाके के साथ तबाह हो जाता है। एक बार फिर देखिए कैसे रूस के सैनिक के बम लगाने के बाद यूक्रेन का ये अड्डा तबाह हो गया। रूस के फाइटर जेट्स यूक्रेन पर आग बरसा रहे हैं। यूक्रेन की जमीन पर फाइटर जेट्स कहर बनकर टूट पड़े। खेरसोन इलाके में भी रूसी फाइटर जेट्स ने एक के बाद एक बम बरसाए। यूक्रेन रूसी फाइटर को मार गिराने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सके। यूक्रेन के खेरसोन इलाके में कब्जे की जंग जारी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने खेरसोन के कई इलाकों को रूस से आजाद करा लिया है। धमाकों और फायरिंग की आवाज से खेरसोन गूंज रहा है। रूस ने एक बार फिर खेरसोन के इलाके पर हवाई हमला किया है। तस्वीरें देखिए, यूक्रेन का एक सैनिक अपने हेलमेट में लगे कैमरे से तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहा है। तभी रूसी जहाज की गरज सुनकर वो झाड़ियों में छिप जाता है। पलक झपकते ही रूसी फाइटर जेट आता है और यूक्रेन के सैन्य अड्डे पर बम गिराकर वहां से चला जाता है। यूक्रेन का ये सैनिक रूसी फाइटर को मार गिराने की कोशिश भी करता है मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है। इसके कुछ ही देर बाद रूस के कई और फाइटर विमान आते हैं और पूरे इलाके पर बमों की बरसात कर देते हैं। रूसी जेट्स को हमला करते देख ये यूक्रेनी सैनिक जमीन पर लेट जाता है। तो जंग में रूस ईरान में बने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, जिस तरह से यूक्रेन के निशाने पर अब रूस के ड्रोन आ गए हैं हवा में, यूक्रेन रूसी ड्रोन को उड़ा रहा है। रूस यूक्रेन पर ड्रोन के जरिए बम बरसा रहा है और यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 1250 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। जंग के मैदान से एक ऐसी ही ड्रोन के तबाह होने का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे रूस का एक ड्रोन बम लेकर अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है। तभी यूक्रेन का ड्रोन पीछे से आता है और उसी ड्रोन पर हमला कर उसके परखच्चे उड़ा देता है। एक बार फिर देखिए कैसे हवा में ही इस रूसी ड्रोन के परखच्चे उड़ गए। जंग के मैदान में यूक्रेन और रूस दोनों को ही काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं रूस ने भी अपने सैनिकों के हमले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में घने जंगलों के बीच रूसी सैनिकों की टुकड़ी चल रही है। आटली मोटी संख्या में संत महात्मा आशीर्वाद आपको आवे
एनाथे रूडू बीजू शू हो का तो सिंहनी धरती नरसिंहनी धरती विशेष रूपे जे माताओ बहनों मोटी संख्या में आई है एमना जे आशीर्वाद मिली रहा है एमनो हूं अंतःकरणपूर्वक आभार मानु भाई बहनों आजे जूनागढ़ गीर सोमनाथ पोरबंदर लोग तो आंकड़ा न गणी के एटलो मोटो विकास हजारों करोड़ 4000 करोड़ रुपया करता पण वधारेना प्रोजेक्ट एनो लोकार्पण एनो शिलान्यास एक जमानो हतो कि आखा गुजरात नो 12 महीना नो कुल बजेट जेटलू होय एना करता वधारे लोकार्पण ने शिलान्यास ना कार्यक्रमों आज हूं एक दिवस में एक प्रवास में आज गुजरात की धरती पर करी सकूं जो ये अपना आशीर्वाद नो परिणाम अन्य विकास मारा माछीमार भाई बहनों ने एमना जीवन ने आसान बनावामा आप जूनागढ़ तो हूं हमेशा कहते तो कि गुजरात ना पर्यटन क्षेत्र माटेनी राजधानी तो जूनागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। कई परियोजनाओं की जो सौगात है वहां पर उन्होंने दी है, संबोधन उनका जारी। और देखिए बढ़ते हैं आगे। आज कांग्रेस में 22 साल बाद अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे आए। मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। खड़गे की जीत के बाद कांग्रेस के दफ्तर में जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे और पटाखे फोड़े गए। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद के चुनाव में 7897 वोट मिले, बल्कि शशि थरूर को 1072 वोट मिले। जीत के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने खड़गे को बधाई दी है, वहीं शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी है। तो तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जश्न जो है वो यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, ढोल नगाड़े बजाए गए हैं। और 25 साल से ज्यादा का वक्त जब एक बाहरी गांधी परिवार से बाहर का एक नेता जो है कांग्रेस पार्टी का वो अध्यक्ष पद पर काबिज हुआ है। सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने बधाई इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को दी। और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शशि थरूर जो थे यहाँ पर अध्यक्ष की रेस में थे, उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। ये सीधा मुकाबला दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया था, कहा जा रहा था गांधी परिवार के तरफ से ये नाम सामने आया है, तो जाहिर सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत पहले से ही सुनिश्चित मानी जा रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी के भीतर लोकतंत्र किस तरीके से है, उसकी ये तस्वीर सामने आ रही है कि दो लोग आमने सामने थे, दोनों ने एक दूसरे को गुड लक भी कहा था, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के अब नए बॉस बन गए हैं। और वैसे देखा जाए श्वेता, ये बहुत अप्रत्याशित ये जो नतीजे हैं वो नहीं, क्योंकि इसकी उम्मीद ऐसी संभावना नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से पहले भी तस्वीरें नजर आई, ये देखिए जो दोनों की तस्वीर, जब चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर शशि थरूर, एक दूसरे को गुड लक उन्होंने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जब अब अध्यक्ष बन चुके हैं, ये अपने आप में दरअसल एक लंबे वक्त के बाद में जब कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुए और वो भी जब गांधी परिवार से अलग कोई यहाँ पर अध्यक्ष बना, ये अपने आप में एक खास तस्वीर है। जब आज प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने भी बधाई दी और बहुमत पाते हुए 7897 वोट पाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के नए बॉस बन गए हैं। अब उनके नेतृत्व में आखिर किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी, जिस तरह से कई राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस की जो स्थिति पहले के मुकाबले बहुत कमजोर है, क्या नया पार लगा पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तो आने वाला वक्त नजर आएगा। और कई जिम्मेदारियों के साथ कई कांटों भरा ताज उनके लिए जरूर कहा जाए। बिल्कुल नैना, और देखिए दो राज्यों में चुनाव भी है विधानसभा के, उसी दौरान देखिए किस तरह की स्थिति कांग्रेस की रहती है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। किस तरह की रणनीति के साथ, किस तरह की नई रणनीति के साथ
कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो जमीन पर तमाम कार्यकर्ताओं को उतारते हैं। नेता किस तरह से आगे काम करते हैं ये देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन अभी जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस की उसको तलाशने की कोशिशें, उसके प्रयास लगातार जारी रहने वाले हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिल्म आनंद का मशहूर डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, कहा जाता है बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, और इस डायलॉग के जरिए संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि जिंदगी पर किसी का वश नहीं चलता है। आज आपको हम एक ऐसी सच्ची घटना दिखाएंगे जो हार्ट अटैक और 35 सेकंड से दुनिया से अलविदा हो गई। देखिए रिपोर्ट। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, अगले पल क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता। इन दिनों हैरान कर देने वाले हार्ट अटैक के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं ये उसी की एक तस्दीक है। दिल दहला देने वाली यह घटना गाजियाबाद के शहीद नगर इलाके की है। यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए बात कर रहे जिम ट्रेनर की चंद सेकंड में हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिम ट्रेनर का नाम आदिल है। आदिल को काम करते वक्त अचानक हार्ट अटैक आया और महज 35 सेकंड में उसकी मौत हो गई। आदिल पिछले कुछ समय से जिम का काम बंद कर प्रॉपर्टी का काम कर रहा था। आदिल अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा था, तभी वो अचानक पीछे की ओर लुढ़क गया। वहां मौजूद लोगों ने आदिल को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन आदिल की मौत हो चुकी थी। आदिल की दर्दनाक मौत से परिवार सदमे में है। अगली खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना में पीसीएस परीक्षा के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई। हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवा दिए गए, जबकि मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में एंट्री यहाँ पर दे दी गई। सवाल ये उठता है कि हिंदू महिलाओं का अपमान क्यों किया गया, सीएम केसीआर को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों। तेलंगाना सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा फिर हुआ बेनकाब। मुसलमानों के साथ नरमी, हिंदुओं के साथ सख्ती क्यों। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, हिंदू महिलाओं के कंगन, झुमके और मंगल सूत्र तक उतारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं की चूड़ियां तक तोड़ी जा रही हैं। बिना नकाब में जितनी भी महिलाएं और युवतियां वहां आई उनके साथ सख्ती बरती जा रही है। कंगन, झुमके और मंगल सूत्र उतारने पर एंट्री मिल रही है। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। नकाब में पहुंची महिलाओं से कोई रोक टोक नहीं, चेहरा दिखाने की बात तो छोड़ दीजिए, एडमिट कार्ड की भी चेकिंग नहीं हुई, सीधे एंट्री मिल रही। मामला तेलंगाना के आदिलाबाद के विद्यार्थी जूनियर एंड डिग्री कॉलेज का है। एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश के लिए हिंदू महिलाओं से मंगल सूत्र उतारने के लिए कहा गया, जबकि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति मिल गई। बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने ये वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया कि परीक्षा केंद्र में बुर्के की अनुमति है, लेकिन झुमके, चूड़ियां और पायल को हटवाया जा रहा है। कश्मीर को लेकर बिहार से विवादित मामला सामने आया। सातवीं कक्षा की परीक्षा के पेपर में कश्मीर को अलग देश बताया गया है। जी हाँ, ये जब पूरा मामला सामने आया, जब विवाद बढ़ा तो अब इस पूरे मामले पर लीपापोती हुई नजर आती हुई नजर आती है। शिक्षा विभाग इसे एक मानवीय भूल बता रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में देश विरोधी साजिश, सीमांचल में किसका जिहादी एजेंडा, कौन रच रहा है कश्मीर को अलग देश बताने वाला षड्यंत्र। देश का बच्चा बच्चा कहता है दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, लेकिन बिहार के स्कूलों में आजकल बच्चों को अलग ही शिक्षा दी जा रही है। बिहार के बच्चों को नीतीश कुमार का शिक्षा मंत्रालय पढ़ा रहा है कि कश्मीर अलग देश है। उन्हें ये पढ़ाने की कोशिश हो रही है कि जैसे ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटिश कहते हैं, वैसे ही कश्मीर के लोगों को कश्मीरी कहा जाता है। विश्वास नहीं होता तो किशनगंज में सातवीं के इस क्वेश्चन पेपर को देखिए। इस पेपर में बच्चों से जो सवाल पूछा गया वो हैरान करने वाला था। सवाल में पूछा गया कि चीन के लोगों को चाइनीज कहते हैं तो नेपाल के लोगों को क्या कहते हैं, इंग्लैंड के लोगों को क्या कहते हैं और कश्मीर के लोगों को क्या कहते हैं। यानी जिस तरह नेपाल, चीन, इंग्लैंड अपने आप में एक राष्ट्र है, उसी तरह कश्मीर भी एक अलग राष्ट्र है। हालांकि अब इस मामले में बिहार के शिक्षा मंत्री ने दोषियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। त्योहारों का सीजन आते ही खाने पीने के सामान में देखिए मिलावट शुरू हो गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रशासन ने 1000 किलो नकली मावा पकड़ा है। 1000 किलो मिलावटी मावा जब्त। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई।
दुकानों में सप्लाई हो रहा था मावा। दिवाली का त्योहार पास आते ही देश के अलग अलग हिस्सों में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। त्योहार को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग और प्रशासन भी अलर्ट है। इसी कड़ी में राजस्थान के भीलवाड़ा में एडीएम और सीएमएचओ की जॉइंट टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम ने 1000 किलो मिलावटी मावा जब्त किया है। टीम को खबर मिली कि सर्किट हाउस के पास मावे को अलग अलग दुकानों में सप्लाई किया जा रहा है। टीम मौके पर पहुंची और मिलावटी मावे को जब्त कर लिया। जब मावे के सैंपल की जांच कराई गई, तब पता चला कि ये मावा तो मिलावटी है। 27 कपड़ों की गांठ बनाकर इस मावे को सप्लाई किया जा रहा था। सोचिए, दुकानों से मिलावटी मावा सीधे आपके घर पहुंचता और अगर आप इसे खाते तो आपकी सेहत को कितना नुकसान हो सकता था। पंजाब के अमृतसर की जेल में कैदियों को ड्रग सप्लाई की जा रही है, उन्हें नशे का सामान दिया जा रहा है और इस बात का खुलासा तब हुआ जब जेल में कैदियों का ड्रग लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। पंजाब के अमृतसर की सेंट्रल जेल में कैदियों का ड्रग्स लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जेल के बैरक के बाथरूम में कुछ कैदी फायर पेपर के जरिए ड्रग्स लेते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैदी झुंड बनाकर ड्रग्स ले रहे हैं। बड़ी बात ये कि जिस जेल में अंदर जाने के लिए कड़ी चेकिंग होती है, उस जेल में आखिर ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है। आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले ही एक कैदी की मौत नशे के कारण हुई है। इसके बाद भी जेल प्रशासन सबक नहीं ले रहा और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हाल ही में जेल के अधीक्षक को भी एसटीएफ ने जेल के अंदर कैदियों को मोबाइल फोन देने के आरोप में पकड़ा था, जबकि अमृतसर के केंद्रीय सुधार गृह में चेकिंग के दौरान कैदियों के पास से मोबाइल फोन, सिगरेट के पैकेट्स, हशीश बरामद भी किया गया। और चलिए बात महबूबा मुफ्ती की कर ले। महबूबा मुफ्ती का आतंकियों की तरफ एक बार फिर से दर्द जो है वो छलक पड़ा है। कश्मीरी पंडित पूरन के हत्यारे का जब एनकाउंटर किया गया तो महबूबा मुफ्ती ने सवाल खड़े कर दिए। हिंदुओं की हत्या पर महबूबा चुप्पी साध लेती हैं, आतंकियों की हत्या कर दी जाती है तो महबूबा को बड़ी हमदर्दी होती है। सवाल ये है कि ऐसा आखिर क्यों होता है। मारा गया कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट का हत्यारा। सुरक्षा बलों ने शोपिया के नौगांव में आतंकी को मार गिराया। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या करने वाले हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अब भी जारी है। सुरक्षा कर्मी पिछले 3 दिनों से इमरान बशीर की तलाश में जुटे थे, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। नौगांव इलाके में जैसे ही जवान पहुंचे, वहां छिपे आतंकियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने आतंकी इमरान बशीर को ढेर कर दिया। दहशतगर्द टारगेट किलिंग के जरिए कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आतंकी इमरान बशीर की मौत की जांच की मांग की है। हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई, जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि इसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाकया क्या हुआ। मौसम की पहली बर्फबारी से गुलमर्ग की फिजा महक उठी है। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी से गुलमर्ग की पहाड़ियाँ बर्फ से ढक चुकी है। जन्नत की इस खूबसूरती को देखकर लोगों के चेहरे खिल रहे हैं। देखिए बर्फबारी की लाइव तस्वीरें। बर्फ की चादरों से ढके पहाड़, पहाड़ों में शुरू हुई बर्फबारी, सर्दी ने भी दिया आहट। देश भर में मूसलाधार बारिश के खत्म हो जाने के बाद मौसम में तेजी से बदलाव आया है। जहां पहाड़ी इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है तो वहीं सुबह शाम की गुलाबी ठंड ने भी मैदानी इलाकों को खुशनुमा कर दिया है। मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से सामने आई हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर बर्फ की चादरें बिछ गई हैं। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के बीच भी खुशी का माहौल है। मौसम के जानकारों के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसी ही बर्फबारी का दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में पारा गिरना भी शुरू हो गया है।